कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं? करप्शन और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, क्यों उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी नहीं साथ, हम इन कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। मिनिस्ट्री स्कीम सुनहरी मौका, टैक्स चोरी खत्म करने के लिए आवाम का तआवुन जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, कहा FBI के पास तमाम डेटा मौजूद है, नहीं चाहते कि आवाम को मुश्किलात का सामना हो। 30 जून तक असासे जाहिर किए जा सकते हैं। कौम के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकला जा सकता। करप्शन का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाएंगे। किसके नाम कितनी गाड़ियां, कितने असासे, हुकूमत ने सब ऑनलाइन कर दिया। 5,30,00,000 अफराद के असासों का रिकॉर्ड जाहिर। हर शहरी 500 रुपए फीस देकर वेबसाइट पर अपना डाटा देख सकेगा। वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि मुस्तकबिल में इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही जाँच पड़ताल होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चोट खाई है, अब हालात ठीक होंगे। आसिफ जरदारी का कहना है नून लीग के साथ बैठ गए, इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान के पास NRO देने का इख्तियार नहीं है। नैब का इनके साथ रवैया इज्जत वाला है। मिसाक मईशत की तजवीज दी लेकिन हुकूमत ने मजाक उड़ाया। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर स्टैंड बिलावल भुट्टो लेंगे। शहबाज लीग है, एक नवाज लीग है, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, जब मैंने कौम को कहा था शहबाज शरीफ NRO मांग रहा है, आप मजाक समझ रहे थे। आ जाए किसी TV पे, मैं शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, ढील के लिए शहबाज शरीफ और बीबी फरियाल जो हैं वो बेहतर ऑप्शन है। मुझे तो पूरी हमदर्दी है मौलाना फजल रहमान के साथ, उसने समझा था कि वो इन पे टोकरा रख देगा। झाड़ू फिर चुकी पोचा लग रहा है, अब ज्यादा झील की है लड़ाई। शेख रशीद ने आज नई बात सुनाई, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी किसे कितनी ढील मिलती है जल्द पता चलेगा। शहबाज और जरदारी मिसाके मुर्शिद के लिए तैयार, डील के लिए शहबाज और फरियाल बेहतर ऑप्शन है। शहबाज शरीफ और शेख रशीद की एक ही पार्टी है, नून लीग में एक और पार्टी बन रही है जो रैली रेस में शामिल होना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 66वीं यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी ने राबता आवाम मुहिम शुरू कर दी। नवाबशाह में सियासी ताकत का मुजाहरा, जलसे में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक, पार्टी रहनुमाओं का खिताब, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। उधर रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी बीवी की सालगिरह की तकरीबात। पहले 100 दिन मांगेंगे, फिर 3 महीने मांगेंगे, फिर 6 महीने मांगेंगे, 1 साल होने को आया है, ये स्लाइड जो है रुक नहीं रही। पिछले 8 साल में एक भी वादा, एक भी असूल और एक भी नारा जो है ऐसा बचा है जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। जिन लोगों को डाकू कहते थे, जिन लोगों को चोर कहते थे, जिन लोगों को चपरासी नहीं रखते थे, आज उनके दस्तों बाजू है। इन नारों से लोगों का पेट नहीं भरता, हमें सबको अंदर करने, अगर ये हल है तो जरूर करें। बैरून मुल्क इलाज का ताना देने वाले मुर्शिद का बाहर से इलाज करा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में हुकूमत को खरी खरी सुना दी, कहा अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से मुर्शिद ठीक होती है तो जरूर करें। सुलह सफाई की बात करें तो NRO का इल्जाम लगता है तारीख में कोई हुकूमत इतनी जल्दी डिस्क्रेडिट नहीं हुई जितनी ये हुई। सियासी वफादारियाँ बदलने वाले कशीदगी की असल जड़ है। झूठ नहीं बोलना, मगर आप क्या बोलते हैं? एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा और मैं आपसे कभी 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 झूठ नहीं बोलूंगा। लीडर गलत बयान से काम लेगा तो लोगों का एतबाद खत्म होगा। खुर्शीद शाह ने इमरान खान पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल किया कि ऐसे हालात पैदा किए गए कि आवाम की तवज्जो बजट से हट जाए।
कल एक हुकूमती रुकन ने दबे अल्फाज में वही बात की जो अपोजिशन कह रही है, ज़रात बढ़ाओ, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, तरक्याती बजट का 15% डैम के लिए रखें, हम साथ देंगे। कर्जों की इंक्वायरी के लिए आला इख्तियाराती कमीशन के कायम का नोटिफिकेशन जारी, कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया गया। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। कमीशन में नैब, असिस्टेंट बैंक, FIA, ISI और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। 12 रुकनी कमीशन को किसी भी शख्सियत से मुआवनत लेने का इख्तियार दे दिया गया। चेयरमैन नैब का फवाद चौधरी के बयान का नोटिस, डीजी नैब को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। नैब एलामे के मुताबिक वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बयान हकाइक के मुनाफी है, इससे नैब का तशखुस मजरूह और अफसरों के काम की नफी हुई। बयान नैब तहकीकात पर असरअंदाज हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक नैब को कोई रेफरेंस नहीं भेजा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश फिर नाकाम, FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं डलवा सका नाम। फ्लोरिडा में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास, चीन, तुर्की और मलेशिया ने भारतीय करारदाद की मुखालफत की। 3 अहम मुल्कों के तआवुन के नतीजे में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के खदशात खत्म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हतमी ऐलान अक्टूबर में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौम असम्बली असद कैसर की मुलाकात, माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी जमातों को मशावरती अमल में शामिल करने पर गौर। स्पीकर ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए असद कैसर के किरदार की तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। सबसे पहले अहम खबर, मुल्क कर्जों की दलदल में फंस गया है। इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि अवाम के तआवुन के बगैर दलदल से नहीं निकल सकते, कौम फैसला कर ले तो सालाना 8,000 अरब इकट्ठा कर सकते हैं। टैक्स चोरी खत्म करने के लिए अवाम साथ दें। इमरान खान ने कहा कि असासे 30 जून तक जाहिर कर दें, रियायत नहीं मिलेगी, करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हम कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं, इसको अंग्रेजी में डेट ट्रैप कहते हैं। मतलब ये कि आज हम कर्जे ले रहे हैं सिर्फ इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने पे। हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं? करप्शन और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, क्यों उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी नहीं साथ, हम इन कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया हूँ, वो है कि अपने असासे डिक्लेयर करें और ये 30 जून तक है। इस स्कीम से आपको मौका मिलता है कि आपने जो पैसा घर में रखा हुआ है, जो डॉलर रखे हैं, जो सोना रखा है, जो आपके बाहर असासे हैं, जो आपके बेनामी असासे या बैंक अकाउंट्स हैं, इन सबको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे हम आराम से निकल सकते हैं। हमने अगले साल 5.5 हजार अरब रुपया इकट्ठा करना है। मेरे ख्याल में अगर कौम फैसला कर ले, हम हर साल 8 हजार अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी जरूरत है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने मुश्किलात ना आए। FBR के पास सारा वो डेटा अवेलेबल है, और अगर आप FBR की मालूमात वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप अपना डेटा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अब हमारे पास आ गई। मैं नहीं चाहता आपको मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका फायदा उठाएं और इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकाले। टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत के 100 जतन, किसके नाम पर कितनी गाड़ियां, कितने असासे, सब ऑनलाइन कर दिया। असासों की छानबीन के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम जारी हो गया। 5,30,00,000 शनाख्ती कार्ड होल्डर्स के असासों का रिकॉर्ड मुरतब किया गया है।
शहरियों के असासों के छानबीन के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम जारी हो गया। 5,30,00,000 शिनाख्ती कार्ड होल्डर्स के असासों का रिकॉर्ड शामिल। हर शहरी शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन नंबर की बुनियाद पर अपना डेटा देख सकेगा। अपना डेटा देखने के लिए ₹500 फीस भी अदा करना होगी। लोगों के नाम के जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास जो गाड़ियां हैं, ट्रेवलर्स डेटा है, बैंक का डेटा है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो FPR ये इसकी डिस्कोस की इन्फॉर्मेशन है, यूटिलिटी बिल्स की, टेलकोस की इन्फॉर्मेशन है, ये सारा डाटा उस बंदे को अपने बारे में उस स्टेटमेंट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये प्रिंटेबल होगा। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है कि वेबसाइट का मकसद टैक्स जमा कराने वालों की तफसीलात देखना है। नादरा सिर्फ मालूमात देगा, टैक्स हम खुद जमा करेंगे। हम इनिशियल स्कीम की तारीख नहीं बढ़ाएंगे। डाटा की बुनियाद पर असेसमेंट नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को हैरेस करना नहीं है, और एट द सेम टाइम आप प्लीज ये भी याद रखें कि कोई टैक्स असेसमेंट सिस्टम चल नहीं सकता जब तक गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट डेटा अवेलेबल नहीं हो। वजीर मम्लिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने कहा कि FBR का डेटा 5,00,00,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इससे मुल्क में टैक्स का निजाम मजीद बेहतर होगा।